उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वी यूपी को मथने में जुटी भाजपा ने अब काशी को चुनावी रणनीति का केंद्र बनाने का फैसला लिया है। यही नहीं, भाजपा ने काशी विश्वनाथ को नगरी से देश भर में संदेश देने का फैसला लिया है। यही वजह है कि आज पीएम नरेंद्र मोदी काशी में भाजपा शासित राज्यों के सीएम और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में पीएम मोदी सभी मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों से विकास एवं सुशासन के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। इस दौरान कोरोना वायरस से निपटने के लिए हो रहे प्रयासों पर भी चर्चा जारी है। तो पीएम मोदी गुड गवर्नेंस का मंत्र दे रहे हैं वाराणसी में। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रणा कर रहे हैं। मिशन यूपी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो कल यूपी की जनता को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया और आज दूसरे दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। 2022 चुनाव नजदीक है और इसको लेकर के ये अहम बैठक मानी जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के वाराणसी दौरे पर, कल उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी का दूसरा दिन है। आप सीधे टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक ले रहे हैं, साथ ही जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। तो मिशन यूपी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये एक अहम बैठक मानी जा रही है। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक ली और आज दूसरे दिन के वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और आज बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक ले रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दुर्गेश यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी दुर्गेश, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी का आज दूसरा दिन है और बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, क्या कुछ अभी जानकारी, क्या ये बैठक कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है 2022 चुनाव को लेकर? जी अजय, मैं आपको बता दूं कि दो दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री वाराणसी कल जिस तरह से पहुंचे हैं और उन्होंने बाबा विश्वनाथ का लोकार्पण किया है, ऐसे में कहा जा सकता है कि काशीवासियों को और देशवासियों को बड़ी सौगात दी है उन्होंने। लेकिन आज दूसरे दिन का दौरा अगर मैं आपको बता दूं तो ये बहुत ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2022 का चुनाव नजदीक है। यहाँ पे भाजपा के केंद्र शासित 12 राज्य के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यहाँ पे मौजूद है। इस बार बरेका में बैठक चल रही है। बैठक में दो शिफ्ट में बैठक है, एक मुख्यमंत्रियों की बैठक है जो 12 राज्य के मुख्यमंत्री हैं और दूसरे शिफ्ट की बैठक जो है उप मुख्यमंत्रियों के साथ है। इसमें गुड गवर्नेंस का मंत्र दे रहे हैं प्रधानमंत्री। उसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें धर्मेंद्र प्रधान जो चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे जो जेपी नड्डा है और तमाम तरह से यहाँ पे जो मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं और हर यानी कैबिनेट मंत्री भी हैं उसमें। मैं आपको इस समय बता दूं कि यहाँ पे 2022 का जिस तरह से चुनाव की रणनीति बनाई जा रही है, ऐसे में कहा जा सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री का खुद संसदीय क्षेत्र है। अगर विपक्ष की बात की जाए तो अभी अखिलेश यादव ने कल ही बयान दिया है कि मुख्यमंत्री पे इशारा में कि जो पहले लास्ट समय में जो काफी ही जाते हैं, तो इसमें एक कहीं ना कहीं 2022 को लेकर बहुत अहम बैठक मानी जा रही है। अगर बात की जाए तो आज अखिलेश यादव जौनपुर में है जो इससे सटा हुआ जिला है वाराणसी में, आज उनका भी दो दिवसीय दौरा है। अगर ये कहा जा सकता है कि उधर से अखिलेश यादव का चुनाव बिगुल बजा है और इधर से प्रधानमंत्री का जो एक प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र। और मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि कोरोना के लेकर इसमें एक अहम बैठक मानी जा रही है। जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरियंट जिस तरह से फैल रहा है उस पर भी इस पर चर्चा की जा रही है। इसके बाद से चर्चा करने के बाद किस तरह से रोकथाम की जाएगी उसके लिए चर्चा करेंगे। अगर मैं आपको बात बता दूं तो इसमें बीएचयू के भी बैठक के बाद बीएचयू के जो सीएमएस है जो आज यहाँ पे जिस तरह से जो सीएमएस है सीएमओ है उनके साथ भी कुछ क्षण के लिए यहाँ पे बैठक करेंगे। अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो जिस तरह से इसके बाद से सीधे यहाँ के जो 12 राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो जाएंगे बाबा विश्वनाथ दर्शन करने के लिए। बाबा विश्वनाथ दर्शन करने के बाद यहाँ से सीधे सर्वेद जो यहाँ का जो लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री
उनके साथ जाएंगे, वहां पे लगभग एक घंटे तक वहां पे बिताएंगे। बिताने के बाद मैं आपको बता दूं कि वहीं से सीधे बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे, उसके बाद से सीधे दिल्ली चले जाएंगे। जी दुर्गेश, देखिए आज ऐसा है, प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं और जिस हिसाब से वो बैठकें ले रहे हैं, कल भी बैठक हुई थी, 5 घंटे की बैठक हुई थी, आज भी उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक ले रहे हैं, क्या कुछ है अभी निकल कर आ पा रहा है 2022 के चुनाव को लेकर? जी तो इसी जिस तरह से बैठक ले रहे हैं, गुड गवर्नेंस का मंत्र दे रहे हैं मुख्य प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों को, उस तरह से कहा जा सकता है कि 2022 को लेकर एक बहुत बड़ी रणनीति यहाँ पे रची जाएगी। 2000 किसी तरह से ऐसी चूक न हो उत्तर प्रदेश सरकार बनने में, ऐसे में कहा जा सकता है कि यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे अगर एक प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, विपक्ष भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा 2022 के चुनाव को लेकर, ऐसे में अगर यहाँ से अगर कोई सीट बीजेपी के खाते से निकल जाती है, विपक्ष में जाता है, तो एक बहुत बड़ा संदेश मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री को जाएगा 2024 चुनाव को लेकर। शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, मिशन यूपी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दूसरे दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक ले रहे हैं।